ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर के थाना सदर बाजार ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ज्यादातर मोटरसाइकिलें थाना क्षेत्र कुतुबशहर जनकपुरी व सदर बाजार क्षेत्र से पिछले एक माह में चुराई गई हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से एक मोटरसाइकिल चोरी करते समय वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इनकी फोटो आ जाने से सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्परता से इनकी पहचान करते हुए इनको गिरफ्तार कर मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने इस बारे विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुछ मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो गई हैं, उनके मालिकानों द्वारा विभिन्न थानों में वाहन चोरी का मुकदमा लिखाया गया है। कुछ मोटरसाइकिलों का अभी इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार पर चेक किया जा रहा है, उनके स्वामियों को बुलाया जा रहा है उनके गाड़ियों के बारे में। ये बहुत ही एक्टिव वाहन चोर हैं और ज़्यादातर जो इन्होंने चोरी की है आसपास के थाना क्षेत्रों में, कुतुबशहर, जनकपुरी और सदर बाजार क्षेत्र में की है। इनका जो चोरी करने का तरीका है, ये गाड़ी चुरा के और गांव देहात में सस्ते दामों में बेच देते हैं, 5 से 10 हज़ार में बेच देते हैं। ये इसमें जो हमें सफलता मिली थी, एक वाहन चोरी करते समय इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज में इनके कुछ हुलिया आ गए थे, उस आधार पर सदर बाजार पुलिस ने काम किया है और इनकी गिरफ्तारी की है। इन एक्टिव चोरों के पकड़े जाने से वाहन चोरी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें प्रभावी अंकुश जरूर स्थापित होगा। इनमें काफ़ी है, आप देखेंगे इनके सभी पे कम से कम 5-5 मुकदमे दर्ज हैं वाहन चोरी के, और इन पे हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें अभी 3 साथी, जो इनका 3 का गैंग था वो पकड़ा गया है, एक और इन्हीं के द्वारा एक ग्रुप और बताया गया, गैंग और बताया गया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं।